By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का संचयन का चैप्टर नंबर 1 गिल्लू। गिल्लू ये एक ऐसा नाम है, तो गिल्लू एक शिशु खिलाड़ी का नाम है, मतलब एक छोटी सी खिलाड़ी का नाम है। और ये पूरी रियल स्टोरी होने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक दिन सुबह सुबह जब कवियत्री उठी तो उन्होंने देखा, अपने कमरे से जब वो बाहर आती हैं तो उन्होंने देखा कि कौए क्या कर रहे हैं। कौए बड़े ही एंटरटेनिंग वे में एक फूल के ऊपर चोंच मार रहे हैं। तो उन्होंने जब गौर से देखा तो वहीं पर पास में ही एक शिशु गिलहरी पड़ी हुई थी। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये जो शिशु गिलहरी है, इन कौए ने उसके ऊपर अटैक कराया, उसके ऊपर हमला कराया, और ये शिशु गिलहरी यहाँ पर इस वजह से आ गई है क्योंकि ज़रूर ये अपने घोंसले से गिर पड़ी होगी। तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस गिलहरी को उठाया, उस छोटी सी गिलहरी को उठाया, और उसको उठाने के बाद उसके जो एक मेडिसिन होती है पेनिसिलिन, उसको लगाया जहाँ जहाँ पर उसको चोट लगी थी, और साथ में थोड़े प्रयास के बाद उसके मुँह में एक बूंद पानी भी पहुँचा दिया। 3-4 महीने में वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो गई, मतलब जो गिलहरी थी अब वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसका शरीर रुएदार तथा पूछ बालों के गुच्छों से युक्त हो गई, तो मतलब उसके शरीर के ऊपर हेयर्स वगैरह भी आने लग गए, पूछ भी अच्छी खासी हो गई, जैसे प्रॉपर अच्छी सी होती है ना गिलहरी, वैसी वो बन गई थी। अब उन्होंने उस छोटी सी गिलहरी का नाम गिल्लू रख दिया और उसे गिल्लू कहकर उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने एक हल्के वजन वाली जो फूलों की टोकरी होती है उसे उसके रहने की जगह बना दी। वहाँ उसने वो जो कवित्री थी, कवित्री काफ़ी ज़्यादा, वो दोनों गिलहरी और कवित्री हिल मिल गए, मतलब कि दोनों के अंदर अच्छा खासा मेल मिलाप हो गया। जब वह कुछ लिखने के लिए बैठती थी तो वह अपनी नटखट कार्यों से उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। मतलब बेचारी कुछ वो लिखने के लिए बैठ रही हैं, कुछ पोएम या फिर कुछ स्टोरी, और वो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें करता था कि बेचारी कवित्री उसकी तरफ देखने लगती थी। कभी कभी कवित्री मजाक में उसे उसके छोटे शरीर को बड़े लिफाफे में बंद कर देती थी, जो लिफाफा होता है ना हमारा, उसके अंदर वो उसे बंद कर देती थी कभी कभी मजाक के वे में। उसका खाना मांगने का एक मनोरंजक ढंग था, मतलब बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो खाना मांगता था। वो करता था चिक 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 और कंटिन्यूसली ऐसे करता रहता था, तो वो समझ जाती थी कि अब इसे भूख लग रही है। तो कवित्री उसे बिस्किट और काजू खाने को देती थी। अरे वाह, इसके तो मज़े हैं, काजू और बिस्किट खा रहा है, वाह। गिल्लू कभी कभी खिड़की के बाहर के दृश्य को बहुत ही अच्छे से देखता रहता था, मतलब देखता ही रहता था और बहुत खुश होता था। ये देखकर कवित्री को ये लगा कि इसको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, स्वच्छंद विचारने देने का विचार किया उन्होंने, कवित्री ने। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे भी फ्री करा जाए। तो उन्होंने फूलों की जो टोकरी का घोंसला था जिसके अंदर रहा करता था गिल्लू, उसके अंदर एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग बना दी, मतलब जाने का स्थान बना दिया, निकलने का स्थान बना दिया। अब जो गिल्लू था वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया, उसे लगा अरे भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी घूम सकता हूँ। जब वो कॉलेज से लौटती तो गिल्लू तेज़ी से उनके पास दौड़कर आता था तथा उनके शरीर के ऊपर नीचे दौड़ने लगता था। वह पूरे दिन घर से बाहर अन्य गिलहरी मित्रों के साथ बिताता था, तो जो पूरा दिन था वो गिलहरियों के साथ बिताता था, लेकिन जब जैसे ही कवित्री कॉलेज से आती थी तो उनके पास भागकर आ जाता था, उनके ऊपर नीचे चढ़ने लग जाता था, बहुत इंजॉय करता था उनके साथ। पास और भी बहुत सारे पालतू पशु पक्षी थे, लेकिन जितना प्यार वो गिल्लू को करती थी उतना ही वो उन सबको भी करा करती थी। सिर्फ गिल्लू के पास एक स्पेशल पावर थी कि वो कवित्री की प्लेट से खाना लेकर खा लेता था, बाकी किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। जितने भी पशु पक्षी थे वो अपने अपने खाने के जो उनका होता था कटोरा वगैरह, बाउल वगैरह, उसके अंदर खाते थे, लेकिन गिल्लू कभी कभी उनकी प्लेट से भी खा लेता था कवित्री की। उसका ये जो प्रिय भोजन था गिल्लू का, वो था काजू। जब कुछ दिन तक उसे काजू नहीं मिलते थे या काजू नहीं होते थे तो वो गुस्सा हो जाता था, और कुछ भी खाने की चीज़ तुम उसके पास रख दो या फिर उसके जो घोंसला था ना, उसका जो बनाया था फूलों की टोकरी का घोंसला, उसके अंदर कुछ भी खाने की चीज़ रख दो, वो गुस्से में आकर उसे फेंक देता था। बोलता था नहीं नहीं मेरे को काजू पसंद है, बोलता तो नहीं था, तो वो फेंक कर ही अपना गुस्सा दिखा देता था।
एक बार कवित्री एक कार दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गई। इस बीच जब कभी अन्य व्यक्ति आकर उनका कमरा खोलते थे तो गिल्लू फुर्ती के साथ अपने घोंसले से निकलकर वहां पहुंच जाता था। तो क्या हुआ, कवित्री का एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही कोई भी कवित्री के रूम में आता था तो गिल्लू भाग कर देखता था कि कहीं कवित्री तो नहीं है, लेकिन वो कवित्री नहीं हुआ करती थी वहाँ पर। किंतु उनके उनके बदले दूसरे व्यक्ति को देखकर वो उसी तेज़ी से वापस लौट जाता था अपने घोंसले के अंदर। जब कवित्री अस्पताल से वापस अपने घर पर आई तो उन्हें गिल्लू के घोंसले में बहुत सारे काजू मिले। इतने सारे काजू से वो घोंसला भरा हुआ था तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो गिल्लू की भूख प्यास और जो भी इंटरेस्ट वगैरह था उसका वो गायब हो गया था, क्योंकि कवित्री नहीं देखने को मिल रही थी उसको और उनकी तबीयत खराब थी। तो इस चीज़ से कवित्री को लगा कि अरे गिल्लू मेरे से कितना प्यार करता है, इसने खाना तक छोड़ दिया मेरे लिए, इतना कम कर दिया खाना। जब अगली बार वो बीमार पड़ती हैं कवित्री तो उनके सर उनकी कभी वो मालिश करने की कोशिश करता है, बहुत ध्यान रखता है उनका, मतलब छोटे छोटे तो उसके हाथ पैर थे तो क्या ही मालिश करेगा, पर ऐसे ही साथ में बैठ जाता था। तो इस चीज़ को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि कितना निष्ठा एवं श्रद्धापूर्ण तरीके से वो उनकी सेवा कर रहा है कवित्री की। तो इस चीज़ से उन्हें शांति भी मिलती थी कवित्री को कि चलो मेरे साथ कोई तो है। उस समय उसका साथ, गिल्लू का साथ ऐसा लगता था कवित्री को जैसे कि कोई उनके साथ नर्स हो या फिर कोई हेल्थ वर्कर हो जो उनके साथ हेल्प कर रहा हो उनकी। लेकिन जैसे ही वो चले जाता था तब उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता था। गर्मी की दोपहर अथवा शाम में जब वे अपने कार्य मतलब कि लिखन कार्य में व्यस्त रहती थीं तो लिखते टाइम पर गिल्लू उनके निकट एक सुरई से चिपक कर बैठ जाता था। अब सुरई कैसी होती है, जैसे हम लोग आजकल फ्रिज का पानी पीते हैं तो वो ठंडा रहता है, तो पहले सुरई यूज़ करते थे, उसके अंदर पानी ठंडा रहता था, वो मिट्टी की बनी हुई होती है घड़े जैसी, तो उसी से चिपक कर वो बैठ जाता था। इस प्रकार वो उनके निकट भी रहता था और खुद को वो ठंडक भी प्राप्त करवा पाता था। लगभग 2 वर्ष तक गिल्लू उनके साथ फूलों की टोकरी में बने अपने घोंसले में रहा। गिलहरियों का जीवन अवधि जो होती है वो लगभग 2 वर्ष की होती है, तो 2 साल तक ये गिलहरी जिंदा रह पाती हैं। उसके जीवन के अंतिम क्षण भी आ गए, अब उसके लाइफ का लास्ट टाइम आ गया था, अब उसकी डेथ के करीब था वो। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था तथा अपने घोंसले से बाहर भी नहीं आया। रात्रि में वो कवित्री के बिस्तर के निकट आया, उसने अपने ठंडे पंजों से उनकी उंगलियों को स्पर्श किया। कवित्री ने अपनी बिजली के हीटर के द्वारा उसके बर्फ के समान ठंडे शरीर को गर्म करने की कोशिश करी, लेकिन वो इस चीज़ में असफल रही और सुबह सुबह गिल्लू चल बसा, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके फूलों की टोकरी और उसका घोंसला वीरान हो गया था तथा वहाँ से उसे हटा भी दिया गया। गिल्लू को सिंजूही लता की झाड़ियों के नीचे दफनाया गया, मतलब कि बरी करा गया। इसके बाद इसके 2 कारण थे, मतलब जो 2 बड़े रीज़न थे कि उसको संजूही लता की झाड़ियों के नीचे दफनाया गया था, वो ये थे कि गिल्लू को क्या संजूही लता की जो झाड़ियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, और कवित्री को भी इस चीज़ से हार्दिक संतोष हुआ। कवित्री को इस बात का विश्वास था कि किसी वसंत ऋतु के दिन उसकी मुलाकात गिल्लू से हो जाएगी, जिस समय वह एक छोटे पीले जूही के फूल के रूप में खिलेगा तथा सौरभ बिखेरेगा, ऐसी उनकी धारणा है। तो वो ये मानती हैं कि ज़रूर एक ना एक दिन गिल्लू उन्हें देखने को मिलेगा, एक छोटे से फूल के रूप में आएगा और चारों तरफ खुशियां बिखेरेगा। ये जो कहानी है, ये कहानी पढ़कर स्टार्टिंग में लगा था तो कुछ फ़नी होगी, इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन लास्ट तक आते आते थोड़ा सा इमोशनल हो गई ये कहानी। तो हमें देखने को मिला कितनी इंटरेस्टिंग सी ये कहानी थी गिल्लू के बारे में, किस तरीके से गिल्लू ने अटैचमेंट हुआ उसका कवित्री से और कितना वो ध्यान रखता था, और फिर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, अगर हम उसके प्रति प्रेम दिखाएंगे तो वो भी हमारे प्रति प्रेम ज़रूर दिखाएगा।
तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि गिल्लू को कौन से पेड़ की झाड़ी के नीचे दफनाया गया था, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।